अगली बड़ी बात का जिक्र कर लेते हैं जो कि यूपीएस से जुड़ी हुई है। जी हाँ, हाल ही में सरकार ने यूपीएस सिस्टम लागू कर दिया है, लेकिन इसे लागू करने से सरकारी कर्मचारियों को लाभ हुआ था और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी इसके कारण निराशा के भाव में जी रहे थे। लेकिन ताजा जानकारी के अनुसार, जो जानकारी उपलब्ध हो पा रही वो बता रहा हूं, ताजा जानकारी के अनुसार अब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की भी चांदी होने वाली है। सरकार बहुत जल्द ईपीएफओ में बेसिक वेतन की बढ़ोतरी पर मोहर लगाने वाली है, और जिससे निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के बाद 10,050 रुपए की पेंशन प्रतिमा मिल सकेगी। आपको यह भी बता दूं कि श्रम मंत्रालय ने हाल ही में वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव बनाकर भेजा, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि कर्मचारियों की पेंशन की गणना अभी मौजूदा समय में 15,000 रुपए से की जा रही है, उसको बढ़ाकर अब 21,000 रुपए किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि साल 2014 में ही पेंशन की गणना 15,000 रुपए से की जा रही है और इसकी ही सीमा को बढ़ाने को लेकर बात हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द इस पर अमल होना है। यदि ऐसा होता है तो प्रतिमा कर्मचारियों की सैलरी में मोटा इजाफा हो जाएगा, यानी कि निजी कर्मचारियों को अच्छी खासी पेंशन मिलेगी। हालांकि अगर ये अमल में आता है तो हर महीने मिलने वाली सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि आपको प्रतिमा जो वेतन मिलता है उसमें से अधिक पैसे ईपीएफओ में चले जाएंगे, जिसके चलते आपको हर महीने मिलने वाली सैलरी कम हो जाएगी। लेकिन ये आपको आगे आने वाले भविष्य के लिए ठीक होगा। सरकार की तरफ से वेतन की सीमा को 15,000 रुपए की जगह अब 21,000 रुपए कर दी जाती है, तो आपको हर महीने 2,550 रुपए की अधिक पेंशन का लाभ मिलेगा।